अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने इसका व्लॉग तो बना लिया है, बाकी मैं लेकर आई हूँ आपको सब लाइव टेस्ट मैं इसका करूँगी। तो मैं सोचा चलो सीधा आपको लाइव ही बुला लेते हैं। और जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइनिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है मंगाया है ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मीशो से, और ये मेरे ख्याल से आज तक का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। और हाय तलत, कैसे हो? प्राइमर मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ये नॉर्मल प्राइमर की तरह नहीं लग रहा। तो ये है उमैमा, इन्हें आप देख चुके होंगे मेरी पहली वीडियोस में। और कौन आएगा? ये है रुहान। काफ़ी शॉर्ट्स में भूत की तरह मेरे पीछे ये आया है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपके पीछे कौन है। और इरम आना चाहेंगी? इरम को तो आप लोग जानते ही होंगे। आओ इरम। ये है इरम। हाय इरम। ये लोग हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे साथ होती है, मेरी हेल्प करवाती रहती है कुछ ना कुछ। तो गाइस हमने प्राइमर को लीव कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, जो कि ये मेरे स्किन शेड का बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या करूँ, इसका रिव्यू देना है तो मुझे लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी तो ठीक ठाक लग रही है, मतलब जो है कम नहीं लग रही, क्वांटिटी नॉर्मल है। लाइट फॉर्म में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ये ब्लेंड भी बहुत मुश्किल से होगा आई थिंक। देख रहे हो कितना ज़्यादा मेरी स्किन शेड से अलग जा रहा है, और मतलब ये बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है मैंने कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया हो। बहुत ही ख़राब है ये प्रोडक्ट। ये सारे कजन मेरे पास गए। मेरे ख्याल से मुझे अपने हाथों से ही ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्यूटी ब्लेंडर से तो होने जरा क्वाइट। और ब्यूटी ब्लेंडर में कोई खराबी नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं अच्छा है। तो ये ब्लेंड तो कुछ अजीब अजीब तरीके से हुआ है, बाकी वाइट में ज़्यादा नहीं लग रहा, मतलब मेरे स्किन टोन का नहीं था, बट फिर भी ठीक ठाक हो गया है। बट इसको ब्लेंड करने में मुझे बड़ी मेहनत लग गई, नॉर्मल फाउंडेशन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो मुझे इसमें बाकी ब्लशर वगैरह तो नहीं मिला ही, नहीं आई शेडो मिला हुआ है, तो मैं लिपस्टिक की हेल्प से ब्लशर यूज़ करूँगी। तो लिपस्टिक का शेड आप देख लो कितना प्यारा शेड है। तो मैंने लिपस्टिक की हेल्प से ब्लशर लगा लिया है। मुझे ब्लशर बहुत पसंद है लगाना। एंड अब मैं यही लिपस्टिक अपने आईज के ऊपर अप्लाई करूंगी एज अ आई शेडो। मुझे आज कुछ पिंक टाइप की ड्रेस पहननी चाहिए थी ताकि मेरा मेकअप मैच करता।
सो गाइस, मुझे जब से मुझे एक फिंगर की टेक्निक पर चली है ना, तो मुझे ब्रशेस की कम हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा काम मेरे फिंगर्स से ही हो जाता है। तो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, हो गया है। यस, तो मैंने लिपस्टिक की हेल्प से मैंने ब्लशर लगाया और आई मेकअप भी कर लिया। थोड़ा सा ब्लशर और लगा दूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ये मेल्ट हो रहा है। हाय सानिया, मैंने ये प्रोडक्ट लगाया तो है, बाकी मुझे इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देखते हैं कितना ये स्टे करता है मेरे स्किन पे।